किसान भाइयों, आप लोग देखे होंगे कि कई किसान भाई जो होते हैं ये अपनी फसलों में दारू का स्प्रे करते हैं। कोई किसान होता है जो इसको वायरस भगाने के लिए प्रयोग करता है, कोई किसान एज ए कीटनाशक प्रयोग करता है, लेकिन इसका प्रयोग हम किए हुए हैं अपनी कई फसलों पर, तो उसका क्या रिस्पांस है ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि आप लोगों को अपनी फसलों पे दारू का स्प्रे करना चाहिए या नहीं, अगर आप लोग करते हैं तो फिलहाल आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये जो दारू का स्प्रे होता है अगर आप लोग अपनी फसलों पे करने जा रहे हैं तो क्या सरकार की इसके स्प्रे को लेकर के कोई गाइडलाइन है, या कृषि जो वैज्ञानिक होते हैं उनका क्या विचार है दारू के स्प्रे को लेकर के, यह सभी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आगे बढ़े उसके पहले ही हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। जो शराब होती है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसे पीना नहीं चाहिए, लेकिन कई किसान भाई इसे प्रयोग कर रहे हैं। तो काफ़ी किसान भाई हमसे ये सवाल पूछे कि क्या हम अपनी फसलों में इम्प्रूवमेंट के लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो जो तमाम सवाल उत्पन्न होते हैं इसके स्प्रे को लेकर के, इसके उपयोग को लेकर के खेती बाड़ी में, तो वह सभी चीज़ें आज यहाँ पर हम आपको क्लियर करने वाले हैं। आपको पसंद हो तो आप कीजिए, हमारी तरफ से कोई भी ऐसी सलाह नहीं रहेगी कि नहीं आप लोग दारू का स्प्रे कीजिए, हम ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों के जो किसान होते हैं ये जो दारू का स्प्रे होता है अपनी फसलों पर करते हैं। कई किसान भाई होते हैं जो इसे एज ए वायरस को भगाने के लिए अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं, और काफ़ी किसान भाई होते हैं जो कीट होते हैं अपनी फसलों में उनको मारने के लिए या उनको भगाने के लिए इसको उपयोग में लेकर के आते हैं। लेकिन इसका जो उपयोग है मैं अपनी कई फसलों में कर चुका हूँ एज ए ट्रायल, देखने के लिए कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो हम आप लोगों को बताएं, जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ना ही वायरस भगाने के लिए उपयोग में लेकर के आते हैं, ना ही कीटों को भगाने के लिए उपयोग में लेकर के आते हैं। हम जिस उद्देश्य से इसका उपयोग करते हैं वो ये है कि अगर हम इसका स्प्रे कर दें तो क्या हमारी फसलें इम्प्रूव हो जाएंगी, क्या उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप लोग अपनी फसलों में इसका स्प्रे करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फसल है उसमें जो उत्पादन होता है ये बढ़ जाता है। हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, हम परवर की खेती किए थे, जो लोबिया होती है उसको हमारे यहाँ बोड़ा की फसल बोलते हैं, जो लोबिया होती है उस पर हम इसका स्प्रे किए हैं, जो बैंगन की फसल होती है उस पर स्प्रे किए हुए हैं, जो लतेदार फसलें होती हैं जैसे हमारा कद्दू है, लौकी है वगैरह है, इन सभी चीज़ों पे जो ये दारू होती है इसका हम स्प्रे कर चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है। एक बार हम अपने मिर्ची की फसल पे इसको स्प्रे किए थे तो वहाँ पर जो फल फूल है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अगर हम एज ए टॉनिक इसका उपयोग करते हैं तो जिन फसलों में हम उपयोग किए हैं तो क्या रिजल्ट मिला है। देखिए, जब इसका हम उपयोग किए हैं तो जो हमारी फसलें थी उसमें जो लगने वाले फूल थे इनकी जो संख्या थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसके साथ साथ जो फूल फल गूदेदार होने वाले थे उनकी जो गति होती है ये भी देखने को मिली थी कि बढ़ गई है। तो ये तो थी एज ए अगर हम टॉनिक इसे प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में। और कई किसान होते हैं जो इसको उपयोग करते हैं वायरस और कीट भगाने के लिए, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अब एक सवाल इसका जो ये है कि क्या यह सरकारी तौर पे वैध है फसलों में प्रयोग करने के लिए। तो देखिए किसान भाइयों, आप लोगों को हम बता दें कि अगर हम बात करें इसे सरकार की कोई गाइडलाइन को लेकर के, तो सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है कि आप लोग अपनी फसलों में जो दारू होती है, जो अल्कोहल होती है, उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है। और कुछ जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका हम इंटरव्यू देखे थे, वह बता रहे थे कि नहीं, ये चीज़ें भ्रामक है। पर जो भी है, हम अपनी फसलों में एज इसको टॉनिक प्रयोग किए थे प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ पर जो रिस्पांस था ये बेहतर था। फिलहाल हम आप लोगों को सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप लोग ये वीडियो देखिए और अपनी फसलों में इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो कई किसान भाई हैं इसको कई वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, तो जस्ट ये वीडियो जो थी ये आप लोगों की जानकारी के लिए थी। अब कुछ क्लिप है जो हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि जब आप लोग इसका उपयोग करते हैं तो जो आपकी फसलें होती हैं, जैसे ये जो भिंडी है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हम दारू का स्प्रे किए थे, और जब हम इसका स्प्रे किए हैं
तो जो इसके पत्ते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खिले हैं और इनमें जो फल और फूल हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये तो है स्प्रे जो हम अपनी भिंडी की फसलों में किए थे, और अभी जो एक स्प्रे तो यहाँ पर हो चुका है, अभी दूसरा स्प्रे यहाँ पर होने जाना है। फिलहाल ये था कि हमारी तरफ से कि अगर हम अपनी फसलों में दारू का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, और क्या यह चीज़ें सरकार की तरफ से वैध हैं या नहीं हैं, और जो वैज्ञानिक हैं कृषि उनका इसको लेकर के क्या ख्याल है। आप लोगों को बता दें कि कई किसान भाई ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीज़ें। तो किसान भाइयों, आप लोगों को हम ये बता देना चाहेंगे कि देखिए, कीटनाशक होती है, उसे अगर कोई व्यक्ति 2-4 ml भी पी ले तो वह मर जाएगा। ऐसे में जो आपका दारू होता है इसे लोग 100 ml, 200 ml, 500 ml जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसा पी जाता है, उसे उतना बुरा प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन अगर हमारी फसलों पे यह अच्छा प्रभाव डाल रही है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कीटनाशक होती है उससे बहुत ही बेहतर होगी आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी फसल के स्वास्थ्य के लिए। तो अब इस चीज़ को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ चलिए हम कुछ फसलों पे दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आया हुआ। किसान भाइयों, आगे बढ़े इससे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर अपनी फसल में प्रयोग किए थे अल्कोहल का, इसमें जो परसेंटेज था ये 42% वाला अल्कोहल था, और जो इसकी स्प्रे करने की हमारी मात्रा थी यह कुछ फसलों में हम 50 ml के हिसाब से रखे हुए थे, और जो फसलें हमारी कम संवेदनशील थी वहाँ पर 100 ml हम रखे हुए थे। तो ये हमारी मात्रा थी जिस मात्रा को रख करके हम अपनी फसलों पे स्प्रे किए थे। जैसे आप लोग टॉनिक का या कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, सेम उसी तरीके से आप लोगों को इसका स्प्रे करना होता है। जो हम स्प्रे किए थे वो इसी आधार पे किए हुए थे। हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम आप लोगों को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को प्रयोग करने के लिए। हाँ, जो हम प्रयोग किए हुए हैं वहाँ पर जो रिजल्ट आया है वह आप लोगों को बता रहे थे, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों का ये सवाल था कि काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, इसका क्या रिस्पांस है। तो जो रिस्पांस है वह हम आप लोगों को पहले ही अपने अनुभव द्वारा बता चुके हैं। अभी उसका हम आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहे हैं कि यह कैसा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी बैंगन की फसल है, और जो बैंगन हमारा एक वीडियो हम लेकर के आए हुए थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मिला हुआ था हमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो अल्कोहल है इसका स्प्रे करने से ही आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपका टोटल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर यह आप डालते हैं और टोटल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, खरपतवार मुक्त खेत नहीं है, उसमें उपजाऊपन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में यह आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। हाँ, हमारे जो भी थे वह टॉप लेवल के मैनेजमेंट कर रखे थे, उसके बाद इसका स्प्रे किए थे, तो जो हमारी बैंगन की फसल थी काफ़ी बेहतरीन थी। और वहीं पर जिस भिंडी में हम खड़े होकर के वीडियो शूट किए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके पहले हमारी जो भिंडी है इसमें काफ़ी रोग लग गए थे, तो उसके लिए हम एंटीवायरस जो है जो दवाएँ आती हैं उसका प्रयोग किए थे। फिलहाल के लिए उसमें सुधार आ गया था, और फल फूल में अधिकता के लिए इसका कुछ ही दिन पहले हम एज ए ट्रायल प्रयोग किए, और उसका बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के सामने है जो कि भिंडी में आया हुआ है। यह चीज़ें थी। अब आप लोगों का विचार क्या है आप लोग बता सकते हैं। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।